धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी भी रख दिया। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो भूखे, दीन दुखी या साधु संत आए वे वहाँ दो चार दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठीक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए और वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे, बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल भी कहते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पे ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे, वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा? तब धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक ऐसे भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी, लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर फिर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहां की भूमि भी बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते में पड़े कांटे, कंकर और ठोकर लगने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तब धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं, मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। अब वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया।